बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। चौबीस के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब वोटिंग के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं और उसमें भी प्रचार के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इस चुनाव में भंडारा जिले की जो 3 विधानसभा सीट आती है उसमें भी भंडारा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है और प्रचार में कौन आगे जाने की कोशिश कर रहा है और जो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार है वो किसको किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यह जानने के लिए बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आगे जो धमाकेदार वीडियोज आने वाले है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं कि जो शुरू में जो प्रचार की शुरुआत हुई थी तो उसमें मुख्यतः महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर जी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पूजा ठाकुर जी, इनमें मुख्य लड़त होने वाली है ऐसा लग रहा था। लेकिन इनके बीच में जो अपक्ष उम्मीदवार है नरेंद्र जी पहाड़े, अपनी दमदार उम्मीदवारी यहाँ भंडारा विधानसभा क्षेत्र में पेश किए और अभी वो दोनों के लिए यानी महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र भोंडेकर और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पूजा ठाकुर इनके लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो अभी तक इन्होंने अपने प्रचार में लोगों से क्या क्या वादे किए हैं और अपने विरोधी जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तो ये हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। और इसके साथ ही जो बाकी के उम्मीदवार हैं जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी, बहुजन समाज पार्टी और जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, तो वो इन लोगों को किस तरह से नुकसान करा सकते हैं ये भी हम आगे बताने वाले हैं। भंडारा से जो अपक्ष उम्मीदवार है नरेंद्र जी पहाड़े, इन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की और उन्होंने लोगों से बहुत से वादे किए हैं। किसानों, मजदूरों, भूमिहीन, बेरोजगार, वरिष्ठ नागरिकों, महिला मंडलों, बचत समूहों और आम नागरिकों की समस्याओं का हल करने और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए उनकी लड़ाई है, ऐसा उन्होंने अपने संदेश में कहा है। तो इनकी जिस तरह से शुरुआत हुई तो शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि इनको क्या समर्थन मिलता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही इनका प्रचार धीरे धीरे बढ़ता गया वैसे ही लोगों का समर्थन इनको बढ़ते ही गया। उन्होंने अपने प्रचार में बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक महोदय की राजनीतिक उदासीनता के कारण भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और विकास की दिशा में पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह मतदाता भाई बहन ध्यान में रखें और मतदान के माध्यम से ऐसे नेताओं को हमेशा के लिए किनारा करें। मतदाता साथियों से अपील करते हुए नरेंद्र पहाड़े ने कहा कि उनकी असली लड़ाई आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने और भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए है, जिसे लेकर वे संकल्पबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र जल, वन और खनिज जैसी प्राकृतिक संपत्तियों से समृद्ध है, फिर भी स्थानीय विधायक महोदय ने यहाँ उद्योग, गृह उद्योग,
लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं किए, किसानों को सहायक व्यवसाय उपलब्ध नहीं कराए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए, हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित नहीं किया गया, गांवों तक बस सेवा शुरू नहीं की गई, उसे परियोजना के बाय नहर का कार्य भी अधूरा पड़ा है। ऐसी अनगिनत समस्याएं लंबित है। इससे यह प्रश्न उठता है कि भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास कौन रोक रहा है? तो यह भी सवाल अपक्ष उम्मीदवार है नरेंद्र जी पहाड़े, उन्होंने जनता से किया है। तो इस तरह से उनका यह प्रचार का दौर चल रहा है और उनको अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही। आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, ॲनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स मंडप डेकोरेशन अँड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड, खाम तलाव चौक, भंडारा। नरेंद्र भोंडेकर जी महायुति के उम्मीदवार है, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, राज्य में महायुति सरकार ने विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार के रूप में पहचान बनाई है। इस प्रगति की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए महायुति सरकार का पुनः सत्ता में आना आवश्यक है। इसी कारण भंडारा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के उम्मीदवार के तौर पर जनता के मजबूत समर्थन की आवश्यकता है। यह बात विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपने प्रचार के दौरान मतदाताओं से संवाद साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने उन्हें मौका नहीं दिया होता तो आज वे इस विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का माध्यम नहीं बन पाते। विकास जनता के दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्थ आशीर्वाद के बल पर ही संभव हुआ है। महाराष्ट्र को प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है और यह पहचान बनाए रखने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार का होना आवश्यक है। वर्तमान महायुति सरकार विकास का खाका लेकर मैदान में उतरी है। इस सरकार के दौरान गरीब कल्याण की योजनाएं और किए गए कार्य महाराष्ट्र को बदलाव की दिशा में ले जा रहे हैं। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बदलाव लाने का प्रयास किया है। विकास कार्यों के माध्यम से इस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में आज चल रहे विकास कार्य क्षेत्र के रूप में बदलने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भविष्य में भी इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए राज्य में महायुति सरकार और विधानसभा क्षेत्र में महायुति का उम्मीदवार विजय होना आवश्यक है। इस तरह से उन्होंने अपने प्रचार के दौरान लोगों से यह बातें कही। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोबरागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं इसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, 1 वॉच और 1 बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वायर, साई मंदिर रोड, नियर अमेजॉन ऑफिस, भंडारा। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार पूजा ठाकुर, इन्होंने भी अपने प्रचार दौरे में नरेंद्र भोंडेकर के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने जो भंडारा शहर के हालात है, इस तरह से जो सड़कों पे गड्ढे हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और जो भंडारा विधानसभा क्षेत्र में विकास होने की बात कही जा रही है, उसकी पोल पट्टी भी उन्होंने अपने भाषण में खोल दी है। उन्होंने भी अपने प्रचार दौरे में सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी और किसानों की समस्या और यहाँ भंडारा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से रोजगार उत्पन्न करके जो युवा है उनकी समस्याएं मिटाई जा सकती है, इसके बारे में भी अपने प्रचार दौरे में लोगों को संबोधित किया। इस तरह से यहाँ पर जो ये तीनों मुख्य उम्मीदवार है जिनमें कड़ी टक्कर होने वाली है, इन्होंने लोगों को अपनी तरफ साधने की कोशिश की है। निर्मला गार्मेंट्स न्यूबॉर्न बेबी एंड किड्स वेअर लाखनी। बाळाच्या जन्मापासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींचे सर्व प्रकारचे वेस्टर्न, ट्रॅडिशनल आणि तुम्हाला आवडतील असे सर्व रेंजचे ब्रँडेड सॉफ्ट कॉटन होजियरी मटेरियलचे कपडे उचित दरात मिळण्याचे एकमेव स्थान। आमच्याकडे जन्मलेल्या बाळाला लागणाऱ्या बेबी किट पासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींकरिता टी शर्ट्स, पॅन्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, कुर्ती, लाछा, प्लाजो असे सर्व प्रकारचे आणि रेंजचे वेस्टर्न ड्रेस, सोबर ड्रेस, कलकत्ता माल, हाटचा माल असे सर्व प्रकारचे कपडे तुम्हाला परवडतील अशा उचित दरात मिळतात। आमचा पता निर्मला गार्मेंट्स, बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, मेन रोड, लाखनी। बीडीव्ही न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल
हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।